नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना के बहादुर जवानों ने पीओके में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को भारी बम बरसा कर तहस नहस कर दिया, जिससे बौखलाए पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर दिन दहाड़े अपने फाइटर प्लेनों की मदद से बम बरसा करने की नाकाम कोशिश किया, जिसे पल भर में ही भारतीय वायुसेना ने करारा जवाब देते हुए नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना के हमले का करारा जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को MiG-21 से मार गिराने वाले पायलट की भारत की जनता ने वतन वापसी पर ऐसा अभिनंदन किया, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे देश का असली हीरो कौन। ऐसे जाबाज भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने जब पाकिस्तान के शक्तिशाली F-16 फाइटर जेट को उन्हीं के सरजमी पर खाक में मिला दिया, उसी दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया और वे सकुशल पैराशूट से सुरक्षित पाकिस्तान की सरजमी पर उतर गए, जिन्हें भारत सरकार के कड़े तेवर के चलते पाकिस्तान की सरकार को महज 60 घंटे के भीतर वतन वापस भेजना पड़ा, जिनका भारत की जनता ने जोरदार स्वागत किया। एक तरफ पूरा भारत जहां अपने जाबाज जवान की बहादुरी के लिए उन्हें सलाम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की उन्मादी जनता ने अपने जाबाज पायलट को उसी की कायराना हरकत के चलते पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताते चले कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ ने कहा था कि भारत के दो पायलट पाकिस्तान के कब्जे में हैं, जबकि कुछ ही घंटों बाद दोबारा कहना पड़ा कि उनके पास भारत का एक ही पायलट अभिनंदन है। वायुसेना के प्रवक्ता जनरल आसिफ के सुर में सुर मिलाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी उन्हीं की बातों का समर्थन किया, जबकि दूसरा पायलट शहाजुद्दीन, जो पाकिस्तान फाइटर प्लेन F-16 के साथ भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश में उसे भारतीय MiG-21 ने खदेड़ कर खाक में मिला दिया, उसी से छलांग लगाकर अपनी सरजमी पाकिस्तान में पैराशूट की मदद से उतरने पर उनके ही लोगों ने भारतीय समझकर पीट पीट कर मार डाला। इतना सब कुछ होने के बाद भी न तो पाकिस्तानी सरकार और न ही वहां की मीडिया अपने देश के जाबाज पायलट के बारे में किसी को कुछ भी कहने से भाग रहा है। तो देख लिया आपने पाकिस्तान की काराना हरकत में शामिल जवान का उन्हीं की सरजमी पर क्या हश्र हुआ और सरकार चुप है। क्लाउन टाइम्स ने लगातार पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के हर वर्ग के लोगों से की सीधी बात। देखिए 1989 से ही एक आतंकवाद का जो दौर भारतवर्ष में शुरू हुआ वो नासूर की तरह था, और वो बढ़ते बढ़ते उसने देश की संसद को अपनी गिरफ्त में लिया, बॉम्बे को गिरफ्त में लिया और यहाँ तक कि काशी के संकट मोचन तक को भी अपनी गिरफ्त में लिया था। इसलिए बहुत दिनों तक टॉलरेंस करते करते अब अंतिम हद उन्होंने पार की, सीमा पार के लोगों ने, और उन्होंने हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को बड़े ही कायरतापूर्ण तरीके से मारा। इसलिए संयम वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक आपका अपना सब कुछ समाप्त न हो जाए, इसलिए संयम समाप्त हुआ और भारतवर्ष ने जो कड़ी कार्रवाई की, जिसमें सिविलियंस को बचाते हुए कार्रवाई की है, हम उसका स्वागत करते हैं और इस मुद्दे पे आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। भारतीय सेना के जाबाज सिपाही के जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से भी देखा, वो जब पाकिस्तान में पैराशूट लेके उतरे और उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। निश्चित तौर पर इससे हर भारतीय का मस्तक ऊँचा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सेना के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। पहले तो मैं अपने सरकार को धन्यवाद दूंगा और सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये देशवासियों के हित में, और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए जो ये प्रतिकार किया गया है ये बहुत ही बड़ा कार्य था। हम सभी देशवासी इसके लिए अपने सैनिकों को और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको हम लोग सलूट करते हैं।
जिस तरह से आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सह में पुलवामा में हमारे जवानों के साथ धोखे से उनको शहीद किया, इसके लिए बहुत ही दुख है। और सरकार से हम लोगों ने यह मांग की थी कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ठीक तेरह ही पर सरकार ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया और चारों तरफ हर्षोल्लास लोगों ने मनाया। पर उसके बाद जिस तरह का पाकिस्तान लगातार रो रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, और गलत करते हुए इसकी साफ तौर पे सामने नज़र आया, उसने अटैक करने की कोशिश की और अपने जवान उनके हाथ एक लग गए, जो कि पाकिस्तान के दुस्साहस किया है। इसका सरकार और हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब दें। और हम तो बार बार सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसकर इसको एक बार सबक सिखा दिया जाए, ताकि आने वाले 50 साल तक ये सर न उठा सके और नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटा दें। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।